अरे देखो गाइस दोनों खुश हो गई। अरे वाह डांस करो छुटकी डांस करो। अरे वाह यू आर सो हार्टलेस ए यू डोंट केयर। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग, होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हम करने वाले हैं हमारी ब्लैक ब्यूटी के अंदर एक जबरदस्त डीआईवाई टाइप की मॉडिफिकेशन इंस्टॉल। तो गाइस जो डीआईवाई टाइप की मॉडिफिकेशन रहने वाली है वो काफी चीप रहने वाली है एंड गाइस नेक्स्ट लेवल की रहने वाली है। तो जो डीआईवाई टाइप की मॉडिफिकेशन एसेसरीज है वो फिलहाल अभी रिसेंटली आई है, तो कहीं भी आपको यूट्यूब पे ये वाली एसेसरीज इंस्टॉलेशन की वीडियो नहीं मिलेगी। तो गाइस ये वाली जो एसेसरीज रहने वाली काफी चीप रहने वाली, आपकी कोई सी भी कार हो एक्स वाई जेड कोई भी कार हो आपकी उसके अंदर ये इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइज मैं चेक करवाता हूँ जो मैंने अभी डीआईवाई टाइप की मॉडिफिकेशन एसेसरीज मंगाई है। तो गाइज वो रहने वाली है, एक सेकंड में आपको चेक कराता हूँ। तो गाइज ये रहने वाली है कार एलईडी हुड लाइट। तो गाइज आपने चेक किया होगा जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वरना न्यू वरना के अंदर आपने नोटिस किया होगा जो कनेक्टिंग डीआरएल आती है और न्यू टाटा हैरियर सफारी काफी कार्स के अंदर आपने ये देखा होगा कनेक्टिंग डीआरएल लाइट। तो गाइज मैंने ये ऑनलाइन परचेस करा था एंड गाइज मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा था तो उसी टाइम ये मेरे को दिखाई दिया और मैंने उसी टाइम इसको बुक कर दिया और एक साइट थी कार बेस्ट के नाम से उसके ऊपर से मैंने मंगाया है। फिर उसके बाद मैंने फ्लिपकार्ट और अमेजन के ऊपर भी चेक किया तो आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल जाएगी और ये 800 के अप्रोक्स रहने वाली है और काफी चीप रहने वाली है और इतनी जबरदस्त रहने वाली मैं आपको वीडियो डाल दूंगा। एंड गाइस की लेंथ चेक करो एक बार। तो गाइस अभी आपको ये देखने में काफी कम लग रही होगी लेकिन गाइस मैंने इसको मेजरमेंट कर लिया है, ये 6 फिट की अप्रोक्स रहने वाली है। गाइस जो फिलहाल अभी आफ्टर मार्केट के अंदर जो अवेलेबल है डीआरएल लाइट वो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगी जो सिर्फ आपकी जो कार की हेडलाइट है उसके एजेस के अंदर ही इंस्टॉल हो पाती है, सिर्फ उसकी इतनी लेंथ आती है। लेकिन जो ये कार एलईडी हुड लाइट है वो इतनी लेंथ ही रहने वाली कि आपकी जो ये कार की हेडलाइट है इस एज से और ईजीली इस वाली एज तक आ जाएगी। तो गाइज वो एकदम से पूरी नहीं जलती, वो डॉट डॉट करके फिर धीरे धीरे जाके बिल्कुल जैसे लग्जरी कार्स होती है उनके तरह वो पूरी जलने वाली है। तो ये फटाफट मैं इस एरिया को क्लीन कर लेता हूँ उसके बाद करता हूँ इसके अंदर स्टॉल। एंड गाइज इसके अंदर दो वायर हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो गाइज जो नेगेटिव वायर है ब्लैक कलर की आपको कहीं भी जो आपके कार के अंदर बॉडी के अंदर जो बोल्ट दिख रहे हैं उसके अंदर फिट करना है एंड दूसरा जो आपका कार का फ्यूज बॉक्स है हेडलाइट का उससे कनेक्ट करना है। तो गाइज फिलहाल मैं जो मेरी कार की जो पुरानी डीआरएल लाइट थी जो ख़राब हो चुकी है उसकी ये वायर थी उसी के अंदर कनेक्ट करने वाला हूँ। गाइज कार के अंदर कार एलईडी हुड लाइट इंस्टॉल करने के पास आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आप चाहो तो जो आपकी कार की हेडलाइट है लेफ्ट हेडलाइट से लेके यहाँ पे बिल्कुल एजेस के अंदर यहाँ पे पेस्टिंग करते हुए जो राइट साइड की हेडलाइट है वहाँ तक ले जा सकते हैं, या फिर जो आपका कार का हुड की एज है यहाँ से लेके जो आपकी कार की हुड एज है वहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड गाइज मैं इंस्टॉल करने के बाद जो नाइट का व्यू है वो भी मैं डाल दूंगा। एंड गाइज मैंने इसको मेजरमेंट कर लिया है, 6 फिट के अप्रोक्स रहने वाली है। तो गाइज आप चेक कर सकते हो कितनी लेंथ रहने वाली है, ये कहीं भी कम पड़ने वाली नहीं है चाहे से आप एक्सयूवी हो या हैचबैक हो या सेडान हो। एंड गाइज इसके ऊपर आपको डबल टेप देखने को मिल जाएगी अपर साइड में यहाँ पे और जो एलईडी बल्ब है वो अंदर की तरफ रहने वाला है। एंड अगर आपको एक्स्ट्रा पार्ट कट करना है तो ये आप ये डॉट डॉट दिख रहे हो उस जगह से आप इसको कट कर सकते हो। गाइज इसके अंदर दो वायर रहने वाली है सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव। जो आपकी नेगेटिव वायर है वो अर्थिंग के साथ कहीं भी कार का जो बॉडी बोल्ट है वह कनेक्ट हो जाएगी एंड जो आपका कार का हेडलाइट का फ्यूज़ है ये रेड वाली पॉजिटिव उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। एंड मैंने कॉलिन से प्रॉपर इसको साफ़ कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉलिन से साफ कर लिया पूरा। अब मैं इसको पेस्ट करता हूँ इसको और यहाँ पे जो डबल टेप है उसके ऊपर एक और डबल टेप लगा दूंगा मैं ताकि अच्छे से ये पेस्ट हो जाए। गाइज फाइनली जो कनेक्टिंग डीआरएल लाइट थी वो मैंने इंस्टॉल कर ली है। तो गाइज अभी आप चेक कर सकते हो यहाँ से मैंने इंस्टॉल करना स्टार्ट किया और यहाँ से जो एजेस है बम्पर की देखो गाइज और जो मेरी पुरानी डी आर लाइट थी मैंने उसी के ऊपर इंस्टॉल कर ली और ये जो पूरी लाइट है वो मेरी यहाँ तक आ रही है। जो कार एलईडी हुड लाइट है मैंने प्रॉपर इंस्टॉल कर ली है। अभी मैं डे का व्यू दिखाता हूँ आपको
डे के अंदर इतनी ब्राइटनेस आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन नाइट में जो इसका लुक आने वाला है वो नेक्स्ट लेवल आने वाला है। तो गाइज अभी आप चेक करो, देखो गाइज जो एजेस है बम्पर की उसके एजेस में देखो आप नोटिस करो, और मैं बिल्कुल पास ले जाके दिखाता हूँ, तो देखना गाइज। एंड गाइज अगर मैं इसका हुड बंद कर दूंगा तो और भी प्रॉपर तरीके से ये विजिबल होगी, और नाइट के अंदर तो ये इसकी ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही रहने वाली है। तो गाइज मैं अभी हुड बंद करके और आपको चेक करवाता हूँ, और जो नाइट का व्यू है मैं वो भी इसके अंदर डाल दूंगा। तो गाइज अभी लुक चेक करो, मैंने जो हुड है पूरा बंद कर दिया है, तो एजेस में देखो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये विजिबल हो रही है, और डे के अंदर भी तो इसकी इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस है कि अच्छे से विजिबल हो रही है, तो नाइट में तो काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। जल गई बेटा, है लाइट जल गई, अच्छी लग रही है आपको है? ये दोनों उठ के आई हैं अभी, और ये कह रही है चाचा मुझे भी दिखाओ आप क्या कर रहे थे गाड़ी के अंदर। तब इनको दिखा रहा हूँ मैं कि लाइट कैसी लग रही है, फिर इनसे रिएक्शन लेंगे। ठीक है यहीं पे खड़े हो जाओ, ठीक है ना, ठीक है यहाँ पे चेक करना, ठीक है ना, यहाँ पे जलेगी, ठीक है ठीक है। मैं जला रहा हूँ लाइट, ठीक है मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे चेक करना। अरे देखो गाइस दोनों खुश हो गई। कैसी लगी, कैसी लगी आपको है, कैसी लगी आपको? देखो देखो यहाँ से और यहाँ तक ये पूरी इंस्टॉल कर रखी है, देखो है ना, कैसी लगी, अच्छी लगी? मैं छुटकी को दिखा दी, आपको नहीं दिखाई थी, अभी रात में पता है रात में और अच्छे से दिखाई देगी। 3 hours later तो गाइस अभी मैं आपको नाइट का व्यू चेकआउट करवाता हूँ, अभी आप चेक करना, पहले स्टार्टिंग के अंदर डॉट डॉट जलेगी, उसके बाद पूरी फुल जलेगी। तो गाइस अभी आप चेक करना, हाँ ऑन कर। तो गाइस ये चेक करो भाई साहब कितनी बॉम लग रही है देखो। तो गाइस अभी मैं कैमरे का फोकस डाउन करके फिर दिखाता हूँ आपको, those words they hurt me, you'd found out what made me angry and use it to your ability, now you're trying to avoid me, you're the big problem here, a bully to many for so many years, now shut your mouth, close your ears, never learned your lesson and nobody cares, that's what you're here for, here to make me miserable, I know, you get joy out of it, you hurt me because अरे वाह डांस करो छुटकी डांस करो, अरे वाह बिना म्यूजिक के, अरे वाह ओ शाबाश शाबाश ओ बल्ले बल्ले ओ शाबाश शाबाश ओ बल्ले बल्ले ओ शाबाश शाबाश, जाओ आप भी करो डांस साथ में, जाओ ओ बल्ले बल्ले ओ शाबाश शाबाश आपको इजिली फ्लिपकार्ट अमेजन पे देखने को मिल जाएगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो गाइज आपको ये 800 के अप्रोक्स पड़ने वाली है, तो गाइज लोग देखने के लिए थैंक यू सो मच। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे भी जाना चाहिए।